यह वीडियो एक मजाक है, आगे हमारी मैडम आपको बताएंगी। वेलकम टू द वर्ल्ड कप इंटरव्यू ऑफ 2011 वर्ल्ड कप हीरोज गौतम गंभीर एंड एमएस धोनी। क्वेश्चन नंबर 1, हु विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर इन दिस वर्ल्ड कप? देखिए, मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा है, बाबर आजम ही होंगे इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर। नो डाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट, ये बहुत बड़े बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन हर प्लेयर का एक ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट आता है और ये कंडीशंस, एशियन कंडीशंस, बाबर आजम को बहुत सूट करेंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ही बनाएंगे इस टूर्नामेंट। देखो भाई, मैं भी सीरियस फेस करके तुम लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं है। और तुम लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें कम सुनो और सिंपल रखो चीजों को। मुझे लगता है शुभमन गिल होगा इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक साल से वो फॉर्म में चल रहा है हर फॉर्मेट में, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। जिस तरीके की कंसिस्टेंसी उसने पिछले एक साल से दिखाई है, और जिस प्लेयर के अंदर स्कोर करने की भूख होती है ना कि यार मैं और ज्यादा खेलता जाऊं और ज्यादा स्कोर करूं, वही प्लेयर तुम लोगों को दिखेगा कि आगे बढ़ रहा। एक विराट कोहली था अपने टाइम पे, और अब शुभमन गिल दिख रहा है अगला विराट कोहली। तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप उसके लिए ब्रेक थ्रू ईयर रहेगा, और इसके बाद वो बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, हु विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस वर्ल्ड कप? मिचेल स्टार्क, नो डाउट। देखिए, 2015 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, 2019 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, तो ये प्रूफ है कि हमेशा बायलैटरल सीरीज ही प्रूफ नहीं होती कि आप कितने अच्छे बॉलर हो। वर्ल्ड कप के लिए जिस तरीके से स्टार्क अपने आप को बचा के रखते हैं, वो ना आईपीएल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, हमेशा अपनी कंट्री को पहली प्रायोरिटी देते हैं, तो मुझे लगता है इस साल भी मिचेल स्टार्क कैन बी द एक्स फैक्टर फॉर ऑस्ट्रेलिया। एक बार, नो डाउट मिचेल स्टार्क एक बहुत ही डेंजरस बॉलर है, लेकिन अगर लॉजिकली बात करूं तो मैचेस इंडिया में है, एडम जैम्पा या अपना कुलदीप यादव हो सकते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर, लेकिन दिल बोल रहा है कि सिराज हो जाए, क्योंकि उस लड़के ने क्या इंप्रूवमेंट दिखाई है। बहुत सारे प्लेयरों का क्रेडिट तुम लोग मेरे को देते हो कि माही भाई इस प्लेयर को बना गए, लेकिन एक प्लेयर का क्रेडिट तुमको विराट कोहली को भी देना है, सिराज का, क्योंकि टाइम पे गालियां देते थे तुम लोग उसको कि क्या प्लेयर है, और आज क्या प्लेयर बन गया यार वो। आज जो हमारा पेस ट्राई हुआ इंडिया का, उसको देख के बाकी की दुनिया डर रही है कि अबे इंडिया के पास ऐसा पेस अटैक पहले कभी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, Which teams will qualify for the semi-finals? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया। देखिए, हर टीम के पास अच्छी बैटिंग लाइनअप जरूर है, लेकिन टीम वही जीतेगी वर्ल्ड कप में जिसकी बॉलिंग में ज्यादा दम होगा, एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान हैव द डेडलीस्ट बॉलिंग लाइनअप्स। और जहां तक बात है इंग्लैंड की, तो उनका हर प्लेयर एक्स फैक्टर देता है उन लोगों को, और ऑलराउंडर्स बहुत मैटर करते हैं। जितने ऑलराउंडर्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और टीम के पास हैं, तो इंडिया का भी चांस बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान आर द फेवरेट्स। देखो, मेरी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो है ही, लेकिन जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इंप्रूवमेंट और कॉन्फिडेंस लेके आ रही है ना, उससे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो पता नहीं यार, इंडिया के साथ न्यूजीलैंड फाइनल खेल ले या साउथ अफ्रीका, और अगर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गई तो मुझे लगता है फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ही होगा, क्योंकि अपने घर पे ये लोग ऑस्ट्रेलिया को मार के आए हैं 3-2 से सीरीज, और कॉन्फिडेंस इनका बहुत हाई है। पता है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका चोकर्स रह चुके हैं, लेकिन यार कब तक चोकर चोकर रहेगा समझो, कभी ना कभी तो वो पर आएगा। हम लोगों को भी एक टाइम पे लोग चोकर्स बोलते थे, अभी भी बोलते हो तुम लोग बेशर्म हो, लेकिन अभी मुझे लगता है इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच प्लेयर विल हैव बिगेस्ट इंपैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड कप? देखिए, वैसे तो बहुत प्लेयर्स हैं, लेकिन नो डाउट बेन स्टोक्स वो प्लेयर हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़े इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि चाहे वो बॉलिंग से हो, चाहे वो अपनी बैटिंग से हो, या चाहे अपनी फील्डिंग से हो, वो हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और क्रंच गेम्स में बैटिंग परफॉर्मेंसेस देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो स्टोक्स ने किया है। टाइम एंड अगेन उन्होंने प्रूव किया है कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। अगर उनकी टीम चाह रही थी कि वो अपने रिटायरमेंट को वापस ले लें, तो आप सोच ही सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो आज भी अपनी टीम के लिए। तो मेरे हिसाब से बेन स्टोक्स होंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर और सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर। इस पॉइंट पे मैं गौटी भाई के साथ एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि बड़े स्टेजेस पे बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर बहुत कम होते हैं जो अपना हाथ खड़ा करके बोले कि यार मैं मैच जिताऊंगा अपनी टीम को। लेकिन उसी के लाइन में मैं हार्दिक पांड्या को भी रखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट हार्दिक पांड्या छोड़ सकता है हमारी बैटिंग प्लस बॉलिंग पे, बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि यार जिस तरीके की बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आई है उसकी, उस वजह से वो भी उतना ही डेडली है जितना बेन स्टोक्स है। फाइनल क्वेश्चन, कैन रोहित शर्मा ब्रिंग द ट्रॉफी होम लाइक एमएस धोनी? देखिए, जहां तक रोहित शर्मा की बात,
मुझे लगता है कि हाँ वो इंडिया को वर्ल्ड कप जीता सकते हैं, क्योंकि आईपीएल में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, अपनी टीम को 5-5 ट्रॉफीज जिताना कोई मजाक नहीं है, तो मुझे लगता है कि हाँ रोहित शर्मा बहुत ही अच्छे कैप्टन हैं। लेकिन जहां तक एमएस धोनी की बात की है आपने, वो अकेले नहीं थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बहुत सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया तब जाके टीम जीतती है। और आईपीएल ट्रॉफीज की भी जहां तक बात है, पूरे टीम का एफर्ट लगता है तब जाके धोनी आईपीएल ट्रॉफीज जीतते हैं, उन्होंने अपनी टीम को अकेले ट्रॉफीज नहीं जिताई है। और आज एक पॉइंट तो तुम लोगों को प्रूव हो गया कि इस इंसान को जलन सिर्फ मुझसे है, क्योंकि रोहित के टाइम पे रोहित की बहुत तारीफें कर रहा है लेकिन मेरे टाइम पे बार बार टीम एफर्ट। अबे टीम एफर्ट से ही जीतती है, चाहे वो रोहित की टीम हो, मेरी टीम हो या विराट की टीम हो, टीम एफर्ट के बिना तुम लोग नहीं जीत सकते। मैं अपने मुंह पे लिखवा लूं क्या कि वर्ल्ड कप मैंने अकेले ने नहीं जिताया है? मैं तो साला ट्रॉफी लेते टाइम भी जाके पीछे खड़ा होता हूं, क्योंकि मुझे पता है कैप्टन का ट्रॉफी लेना इज अनफेयर, फिर भी ऐसे लोग मेरे बारे में ही बोलते रहते हैं, मैं क्या करूं बताओ तुम लोग। देखो और ऐसे लोगों की बातें ना तुम लोग बिल्कुल मत सुनना, ये सीरियस फेस करके तुमको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे और तुमको लगेगा कि हाँ यार इतना अलग बोल रहा है। नहीं, इन लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है कि अपने प्लेयर्स को नीचा दिखाएंगे तो पब्लिक हमको हाइप बनाने की कोशिश करेगी, तो अब सब एक्सपर्ट्स यही करते हैं। अब तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपने आप को साइड में रखता हूँ, ये लोग पूरी जिंदगी अभी रोते रहते हैं कि इनको क्रेडिट नहीं मिल पाया जितना ये डिजर्व करते हैं, जितना इन लोगों ने इंडियन क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ये लोग विराट के साथ क्या करते हैं, एक खराब पारी आती नहीं है कि ये लोग बोलते हैं विराट को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जब विराट कैप्टन था तब बोलते थे यार विराट को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए, रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे देनी चाहिए। तो ये लोग जब अपने ही प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते फिर बोलते हैं कि यार पब्लिक हमें क्यों नहीं क्रेडिट देती। वे तुम लोग अपने प्लेयर्स को तो पहले सपोर्ट करना सीख लो, बाद में क्रेडिट मांगना। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना, खुश रहना और क्रिकेट एंजॉय करते रहना।